क्योंकि इसकी हाइट देखिए, मेरे सिर से पूरा सिर पूरा पहुंच जा रहा है इसके। तो हम लोग जाएंगे झुक झुक मंदिर उस जमाने का। हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। दोस्तों थंबनेल और टाइटल देख के तो आपको सबको पता चल ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं आज इस बाइक में। तो दोस्तों हम लोग जहाँ आज जा रहे हैं वो जगह का नाम है देवगांव, और देवगांव है पालकोट गुमला जिला झारखंड के अंदर। और अभी हम लोग आधे रास्ते पहुँच कर जंगलों के बीचों बीच, आप देखिए बाएं और दाहिने मेरे जंगल है, बीच से एक पतली नदी गुजरती है। इस नदी का नाम तो पता नहीं क्या नाम है। जहाँ जा रहे हैं वो जगह एक गुफा है, और गुफा के अंदर भगवान शिव का मंदिर है। बज रहे हैं दोपहर के 11:30, और हमें जाने में लगभग लग जाएगा 45 मिनट। धीरे धीरे चलेंगे आराम से, तो चलिए चलते हैं। तो रास्ते में पड़ता है ये काली मंदिर, ये भी काफ़ी पुराना प्राचीन काली मंदिर है। तो यहाँ प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सामने आप लोग देखिए ये पालकोट का पहाड़ है। पालकोट का पहाड़ बहुत, मतलब इसको त्रेता युग में सुग्रीव के ज़माने का कहा जाता है, उसकी राजधानी हुआ करती थी। पालकोट का पुराना नाम पंपापुर था। तो इस पहाड़ पर भी हम कभी चढ़ेंगे। दोस्तों ये जगह है पालकोट, पुराना नाम इसका पंपापुर है। और आज यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ लग रही है, मतलब ये 1700 रोड है और पूरा बस और ट्रक एक लाइन में लग गया है। छोटे छोटे जगह में भी ट्रैफिक जाम की समस्या है। दोस्तों छोटा सा मार्केट है ये, लेकिन इसमें डेली ज़रूरत है कि सारे सामान मिल जाते हैं। देखिए अब घड़ी, कंबल, जैकेट, सारी चीज़ें हैं। गांव देहात से जो लोग आते हैं वो अपनी ज़रूरतों का सामान यहीं से ले जाते हैं। सप्ताह में एक या दो दिन ऐसे बाज़ार लगता है यहाँ। इधर देखिए सब्जी मार्केट, ये सब्जी मार्केट है। तो अभी हम लोग हैं पोजेंगा नाम के जगह पर, और हमें जाना है यहाँ से लेफ्ट। यहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पर है जहाँ हम लोग को जाना है। देखिए इसका बोर्ड लगा हुआ है, तो बोर्ड में दिखा रहा है 7 किलोमीटर। तो दोस्तों हम लोग अभी जा रहे हैं देवगांव की तरफ। बीच में देखिए ऐसे प्रधानमंत्री सड़क योजना वाली सड़क है, उबड़ खाबड़ वाली सड़क। तो गांव के अंदर का ऐसा
माहौल होता है, रोलर कोस्टर जैसा लगता है इसमें चलाने से बाइक। कभी हम लोग दोस्तों, तो हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ मंदिर के पास और मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर। ये मेरे पीछे जो है वो है मंदिर, यहाँ का गुफा के अंदर है। तो चलिए चलते हैं, देख ये है नंदी महाराज गुफा के बाहर। बजरंगबली का भी मंदिर है। ये ऊपर चट्टान है और नीचे गुफा है, इसका रास्ता गुफा का रास्ता वहाँ से है। तो चलिए चलते हैं ऊपर, हम लोग जूता खोल लेते हैं फिर चलते हैं अंदर, आपको भी दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या है। श्री श्री 1008 श्री देवगांव मंडा धाम। तो हम लोग आ गए अभी गुफा के अंदर, और गुफा के अंदर आते ही देखिए ये पुराना मंदिर, लगता है कि 400-500 साल पुराना है या उससे भी पुराना। तो देखिए बहुत सारे गुफा के अंदर, हमको अभी सर झुका के जाना पड़ेगा क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। जय भोलेनाथ। झुक झुक के ये यहाँ का मुख्य शिवलिंग, नाग देवता भी हैं। देखिए गुफा के अंदर ये मंदिर के कुछ अवशेष, यहाँ लाइट भी लगाया हुआ है ताकि अंधेरी गुफा में दिक्कत ना हो। तो झुक झुक के जाना पड़ रहा है क्योंकि इसकी हाइट देखिए, मेरे सिर से पूरा सिर पूरा पहुंच जा रहा है इसके। तो हम लोग जाएंगे झुक झुक कर। ये मंदिर उस ज़माने का, इसकी खोज कब हुई कैसे हुई ये तो पता नहीं, लेकिन इसको काफ़ी प्राचीन माना जाता है, नागवंशी राजाओं के समय से यहाँ पर पूजा होती आ रही है। देखिए आप ये जितने सारे अवशेष देख रहे हैं सब ये मंदिर के अवशेष हैं। देखिए पुराने समय में पत्थरों को काट काट कर कैसे डिजाइन तैयार किया जाता था। और ये जो बाहर दीवार है ये तो फिलहाल बनाया हुआ है गुफा में, गुफा को सुरक्षित रखने के लिए। देखिए ये पत्थरों को जोड़ जोड़ कर इसका ढांचा तैयार किया गया है, भगवान शिव पार्वती की तस्वीर। यहाँ पर गुफा की ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा है, सब पुराने अवशेष हैं, पता नहीं कब के हैं।
दोस्तों ये जो आप सामने संकरा सा रास्ता देख रहे हैं, बोला जाता है कि इस संकरे रास्ते से चट्टान के नीचे एक तालाब बना हुआ है। तालाब जैसा कुछ है, यहाँ जाना असंभव है ऐसा कहा जाता है। कभी किसी व्यक्ति ने एक प्रयास किया था, शायद साधु महात्मा थे। तो काफ़ी संकरा सा रास्ता है, थोड़ा हम लोग और अंदर जाकर देखते हैं। इसके अंदर देखिए, ये काफ़ी संकरा सा रास्ता नीचे जाता है, फिर वहाँ आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, इसके अंदर लुढ़क लुढ़क कर जाना होगा, घिसट कर। कहीं पर इसकी ऊंचाई अधिक है, कहीं पर कम है, तो यहाँ हम लोग तो नहीं जा सकते। ऐसा बोला जाता है कि इसके अंदर चट्टान जो है, इसके ऊपर चट्टान है, उसके नीचे एक तालाब जैसा है। दोस्तों काफ़ी शांत जगह है ये, यहाँ से आने के बाद जाने का मन नहीं करता, तो कुछ देर यहाँ पर बिताने के बाद हम लोग जा रहे हैं ऊपर। मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ ये। तो अभी हम जाएंगे इस गुफा के चोटी पर, मतलब इस चट्टान के ऊपर। तो यहाँ से हम लोग चढ़ेंगे यहाँ, फिर यहाँ से होते हुए काफ़ी ऊपर एक चोटी है, तो वहाँ पर हम लोग अभी जाएंगे। चलिए चलते हैं। ये हमारी बाइक, हेलमेट ले लिया जाए। वैसे कुछ होगा नहीं, फिर भी सीधी खड़ी चढ़ाई है, लेकिन हम लोग तिरछे तिरछे जाएंगे, जिग जैग। देखिए पानी की धार से ये काला हो गया है, बरसात के दिनों में लगता है कि यहाँ पर काई जमती होगी। और फिर से मैं इस गुफा को दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ से शुरू होता है और वहाँ तक, चढ़ाई है। भाई यहाँ से नज़ारा काफी सुंदर, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं नज़ारा काफी सुंदर होता जा रहा है। देखिए आप, आज मौसम धूप उतना कड़ा नहीं है, मौसम फोगी फोगी है, फिर भी चलते चलते हमारे पसीने छूट जा रहे हैं, क्योंकि ये सीधी चढ़ाई कड़ी चढ़ाई है। इसके ऊपर मिट्टी नहीं है, इसीलिए इसमें कोई पौधा भी नहीं है, इसकी तलहटी में पौधे उगे हुए हैं। हम लोग को जाना है वो जहाँ पर एक झंडा जैसा दिखाई दे रहा है, वहाँ पर। चलिए चलते हैं। मेरे पीछे का नज़ारा देखिए आप, कितना खूबसूरत। दिख रहा है आज मौसम उतना क्लियर नहीं है,
इसलिए साफ दिखाई नहीं दे रहा है। धुंध चारों ओर, धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम है। जब मौसम साफ होता है तो लगभग 50 से 100 किलोमीटर तक आराम से दिखाई देता है। और हम लोग आ गए हैं इस चट्टान की चोटी पर। उमस भरी गर्मी और खड़ी चढ़ाई चढ़ने से सांस फूलने लगी। तो भाई भाई आखिरकार हम लोग पहुंच गए। देखिए ये है चट्टान की ऊंचाई और इसके ऊपर से देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत। ये यहाँ पर झंडा बनाया गया है। यही है यहाँ की खूबसूरती। ठंडी ठंडी हवा, ऊंची जगह और बहुत खूबसूरत मौसम। तो काफ़ी देर यहाँ पर बिताने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे और उसके बाद चलेंगे अपने घर की तरफ। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं चट्टान के नीचे और यह है वो देवगांव की गुफा जहां हम लोग आए थे भगवान शिव के दर्शन करने। और अभी बज रहे हैं दिन के 2:45 और अभी हम लोग को वापस चलना चाहिए। तो मिलेंगे आपसे फिर नए वीडियो में एक नई जगह में। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।